नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब 24 न्यूज़। दोस्तों, आप तस्वीर देख पा रहे हैं एक लड़का और एक लड़की की, और लड़की शादी के जोड़े में है। और बता दें, कुछ ही महीने पहले लड़की की शादी हुई है। जी हाँ, लड़की का नाम है पारुल और लड़के का नाम है रोहित, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, लड़की के पिता इस समय आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, एक कंप्लेंट लेकर खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी बेटी जो है इस समय गायब हुई हुई है, जिसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। हर जगह पर ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं। और यहाँ आप सभी से निवेदन करेंगे, वीडियो को शेयर करें, वो सभी माँ बाप इस वीडियो को देखें जो अपनी बच्चियों को जो है ब्याहते हैं, शादी करते हैं, और कहीं ना कहीं सबका सपना होता है कि उसे एक अच्छा घर परिवार मिले। लेकिन यहाँ पर इनके साथ काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी भी हुई है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें तो इनके हाथ में एक शिकायत है। इस शिकायत में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो लड़की है उसकी तरफ से, यानी लड़के की तरफ से, परिवार की तरफ से लड़की को परेशान किया जाता था, जिसके बाद जो है लड़की अचानक से गायब हो जाती है। 18 अप्रैल से पिता के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और तब से ही जो है पिता परेशान है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है वो इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन बता दें कि यह लड़का लड़की की जो शादी हुई थी वो हुई थी लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद से काफ़ी सारे परिवारों के बीच अनबन भी हुई, शादी से पहले भी हुई। ये सारी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे, आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जी सर, क्या नाम है आपका, कहां से हो आप? मैं पानीपत से हूं सर, मोतीलाल मेरा नाम है। मेरी लड़की का नाम पारुल है, जो कि इनकी दिसंबर में सर शादी हुई थी। और इनका आपस में पहले प्यार प्रेम चलता रहा, तो करते 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 फिर इनका आपस में कुछ मान मुटाव हुआ, तो करते करते ये माँ बाप से अलग रहने लगे। माँ बाप ने इसको बेदखल किया हुआ है, जिसके कारण ये 5 महीने से बाहर रह रहे हैं, घर पर नहीं गए। इसके कुछ अनबन हुई आपस में, क्या हुआ, 17 तारीख को रात को किला थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई गई लड़के के खिलाफ। और लड़के का फोन आया, जी कह रहे जी आपके अपने पारुल को ले जाओ, मैं इसको रखता नहीं। मैंने कहा बेटे क्या बात हो गई? वो कह रहा जी उसने, मैं कहा मेरी बेटी से बात कराई जाए। फिर मैंने बेटी से बात करी, मैं कहा बेटे बताओ क्या बात हो गई। उसने कहा पापा ये मुझे चाव भी नहीं दे रहा था। तो उस दिन से लेकर आज तक उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं सब जगह भटक आया हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। पानीपत में पुलिस चौकी वाले कहते हैं जी वो लिख के गई हुई, यहाँ पे 20 तारीख को आएगी, 20 तारीख तो आएगी मैडम, ये फिर इसके बाद इसकी कार्रवाई कहाँ हुई? मैंने SP साहब के सामने भी पेश हुआ, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आज IB न्यूज करनाल 29 चैनल पर पहुँचा हूँ। मैंने इनको अपनी पुकार लगाई, मगर सर मेरी हेल्प कीजिए, किसी ने हेल्प नहीं करी। भैया ये भाई जी हैं मेरे, ये चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस चैनल को देख रहा है। कृपया ये फोटो, ये मेरी रिक्वेस्ट अपनी जगह अपने सब को शेयर करें, ताकि मेरी गुड़िया मुझे मिल जाए। मेरा फ़ोन नंबर है 9354917485 पानीपत। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूरा मसला ये है कि जो इनकी बेटी पारुल है और इनका जो राहुल लड़के का नाम जो बताया गया है, दोनों का पहले प्रेम प्रसंग था, दोनों बात किया करते थे चैट पर। मैं आपको वो चैट भी दिखाने का प्रयास करूँगा। पहले इन्होंने जो कंप्लेंट दी है, ये SP साहब की बकायदा इनकी रसीद भी है जो इन्होंने इस मामले में अभी दी हुई है। अब मैं आपको अगली वो चैट, मैं चैट भी दिखाने का प्रयास करूँगा जिसमें ये दोनों बातें किया करते थे। शुरुआत से हम जो है इस मामले पर एक बार आएंगे, क्योंकि पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बेटी को ब्याहते हैं तो यही सपने सोच कर कि वो खुश रहेगी। तो दोनों का ही प्यार था आपस में। ये देख लीजिए, ये दोनों की चैट है, ये चैट की आपको मैं जो कॉपीज़ हैं फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी भी ये चैट है, ये दोनों के बीच जो है वो हुआ करती थी, जो इस समय मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास जो है फिलहाल मैं आपको कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं, पिता ने बेटी को छुड़वाया, जो कि एक बड़े न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर के अंदर जो है ये मामला था शादी से पहले का, जिसमें शादी से पहले ही लड़के ने जो है लड़की के जो परिवार वालों ने लड़की के साथ मारपीट कर दी थी अपने घर में, क्योंकि वो शादी करना चाहती थी और वो शादी नहीं करना चाह रहे थे, जिसको लेकर लड़की परेशान हो गई, घर में गई, थोड़ी कहासुनी हुई, जिसको लेकर लड़की के साथ मारपीट हुई। लेकिन पिता को फिर कॉल आया कि आपकी लड़की को किडनैप किया हुआ है, ये इन्हीं की जुबानी बात करते हैं। क्या कॉल आया? ये मेरे पास फोन आया था, कह रहा जी आपकी लड़की हमारे पास है, आप अपने
अपने आप को ले जाओ। मैं घबरा गया, मैं साइकिल पर था, मैं साइकिल से नीचे गिर गया। फिर मैंने रात को बेटे को फ़ोन किया, जब शादी से पहले मारपीट हुई और उसकी कटिंग यहाँ मैं इनको अखबार में भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने मारपीट की, फिर इसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाया, जो कि अब इसकी तारीख अभी 11 जुलाई की है, अभी इसका कंप्रोमाइज हमारा नहीं हुआ। इन्होंने कहा हम शादी करेंगे, कोई बात नहीं, हमने गलती होगी, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। जो लड़का था वो हमारे पैर पकड़ने लग गया, कह रहे हम शादी कर लेंगे, हम कहने इनकी कार्रवाई करेंगे। जब भी हमने इनका भरोसा किया, उन पर कार्रवाई करना चाहते थे, वो कंप्रोमाइज के लिए हाथ पैर जोड़ रहे थे, वो कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। हम वो कहते कंप्रोमाइज, वो कहते शादी करो, मगर हम तो आपकी, वो चाहते थे शादी करके कंप्रोमाइज हो जाएगा। नहीं नहीं, वो कहते हमने कहा हम शादी नहीं करते, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको जेल चलाएंगे। तो नहीं नहीं, हमको वहाँ कुछ गलती थे, माफी दे दो। माफी मांगते मांगते हम उसके झांसे में आ गए। तो करते करते फिर शादी कर ली, चलो हमें विश्वास कर लिया। अब अभी शादी के बाद 3-4 बार मारपीट हुई है, दहेज का भी अपना मामला दर्ज है, और हम ये कहते हैं जी आप जो करना करो। आप शादी के लिए तैयार तो नहीं हुए थे, लेकिन बेटी और लड़के ने भागकर शादी कर ली। हाँ, भागकर शादी करी, जो कि करनाल में है, इनका सर्टिफिकेट सब कुछ बना हुआ है। जी, 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 तो लड़की कहती थी भाई आप कोर्ट के जो भी कोर्ट में ये बना हुआ रहा, ये इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया था। इसी बात पर इनका रोज का आपस में झगड़ा होता था। जी जी जी, तो फिर इनकी माता जो, हालांकि उनको माँ बाप ने इसको बेदखली किया हुआ, बेदखली होने के बाद इसकी माँ इसको टॉर्चर करती थी, और वो लड़के को सिखाती थी तो अपने बहू के साथ ऐसा ना रख, उसने घर बर्बाद किया। जो माता कांता रानी है, इसकी माँ ने इसका घर बर्बाद किया है। हम तो चाहते थे कि घर बच जाए, लेकिन वो हमारे घर आती थी तो हमको समझाते थे। वो लड़का कहता था जी तुम इसको भड़काते हो, अब कोई भी बताओ भी कोई माँ बाप को चाहेगा कोई लड़की का घर खराब हो। हमने तो बड़ा जोर लगाया, लेकिन अब जब तक ये अभी इन्होंने मारपीट की, अभी तक मेरी लड़की का कोई सुराग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जब पहले मारपीट लड़की से हुई थी, लड़के के परिजनों ने जो कि हमें इन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने हाथ पैर जोड़े, और उसके बाद जब ये नहीं माने तो लड़की जो थी वो फिर से लड़के के झांसे में आई, फिर उसने भाग कर शादी करी, जिसका यहाँ पर एक धर्मशाला का सर्टिफिकेट भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। धर्मशाला का सर्टिफिकेट है, जब दोनों ने भाग कर शादी कर ली, यानी पहले लड़की से मारपीट भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़की थी वो दोबारा लड़के के झांसे में आई और फिर से दोबारा परिवार जुड़े, लेकिन उसके बाद फिर से लड़की से मारपीटें होनी शुरू हो गई, जिसके बाद इन्हें कई बार लड़की ने जो है ये जानकारी नहीं दी कि मेरे साथ मारपीट होती है, जिसके बाद इन्हें अचानक से जो है बेटी ने बताया कि मुझे घर की कभी चाबी नहीं देते, तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए वो अपने पति पर जोर डालती थी कि मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाओ ताकि हमारी शादी जो है वो सार्थक रूप से समाज में जो है मान्य हो। लेकिन यहाँ पर फिलहाल उसी को लेकर जो है उसके परिवार में मनमुटाव जो है वो चला करता था, ऐसे ही कुछ हो रहा है। इसी के दौरान चलते उनकी मारपीट होती थी रोज, ना कोई कमाता था ना खर्चा देता, अपना सारा खर्चा अपनी माँ को देता था, और लड़की को मैं परेशान करता था, तंग करता था। अब मैंने से कहा, मैंने पूछा, मगर बेटे वो रोहित मेरी बेटी का कहता तूने जो करना कर ले, मैं तो धमकाता मतलब कहता जी। फिर मेरे बेटे ने फ़ोन किया, कहता जी तुम कौन होते मुझे फ़ोन करने वाले, एक तो मेरी लड़की को गुम कर दिया है, एक जो छुपा रखा है मेरी लड़की को, 100% लड़की इनके पास है। और फिर कहते हैं, फिर सुनने में आया है जी, मैंने सुनने में आया क्या जी, आपकी लड़की ना तो कहीं चौकी में ना कि थाने में है, और लड़की ठीक ठाक है, हम आपसे बाद में बात कराएंगे, एक हफ्ते बाद बात कराएंगे। किसने बोली ये कुछ उनके आपस में कोई पॉलिटिक्स आदमी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं अभी। वो कहते हैं जी आपकी लड़की सुरक्षित है, मगर सुरक्षित है हमारी बात तो कराओ, लेकिन वो बात कहते हैं जी हम करा देंगे। रोज ही मुझे टाल मटोली हो रही, मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही सर। अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार ये सारे पति पर, जो भी इसके संयोग सारे कौन लोग हैं, एक तो राहुल है उनके घर में, उनकी माँ का नाम क्या है? उसकी माँ कांता रानी है। कांता रानी, और कौन कौन है घर में? बस जो भी इसके सहयोगी हैं, वो तो फिर जब बाद में बताएगा कौन कौन हो सकते हैं। आपने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट करवाई है? मैं सर मैं कई बार गया हूँ, मैं वैसे भी रिक्वेस्ट की है वहाँ पर सुशीला मैडम जी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो कहती है जी हमें आपकी लड़की 20 तारीख तक का लिख के दे गई है, मैं आऊंगी फिर कार्रवाई करूंगी। अब 20 तारीख 20 अप्रैल लिख कर देगी, खुद लिख कर देगी, पता नहीं वो खुद लिख कर देगी या लिखवाया गया, ये मुझे पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एक और नया मोड़ जो है पुलिस ये इन्हें बता रही है कि इनकी बेटी एक कंप्लेंट लिखने के साथ साथ ये भी लिख कर गई है कि वो भिवानी खुद नौकरी करने के लिए जा रही है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो 20 अप्रैल को वापिस आ जाएगी। लेकिन अब ये पूरा तथ्य क्या है, ये सच है या झूठ है, ये फिलहाल इनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी बेटी से ना तो संपर्क हो पा रहा है और ना ही इन्हें कोई जानकारी है अपनी बेटी की। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, मैं आपको दोबारा से इनकी बेटी की तस्वीर दिखा देता हूं, अगर आप उन्हें कहीं भी देखें तो आप तुरंत जो है पिता जो नंबर शुरुआत में उन्होंने बोला था उस नंबर पे आप संपर्क जरूर करें। इनकी बेटी को देख लीजिए,
ये बेटी इनकी है, इसका नाम है पारुल, उम्र है 32 वर्ष। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ पारुल की, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप कहीं पर भी देखें पारुल को तो आप पिता को जानकारी दें, क्योंकि पिता परेशान है। अब ये पूरा माजरा क्या है, इस पूरे माजरे में लड़की इस समय कहाँ है, क्या उसे किसी ने कहीं पर छुपा के रखा हुआ है या फिर जो है लड़की खुद गई है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बात यही है कि जो मामला अभी तक सामने आ रहा है इसमें ज़रूर जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसा दाव पेच है जो कहीं ना कहीं अभी ना तो इन्हें पता है और ना ही, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस जो है इस मामले में जरूर कुछ जानती हो। लेकिन फिलहाल ये एसपी साहब से मिले थे, पानीपत के एसपी साहब से मिले थे, आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, मैं एक बार पेश भी हुआ था, उन्होंने इसका मेरे ऑपरेशन को पढ़ा, उन्होंने इसके मारक किया, मारक करके 25 तारीख को वहाँ किला थाने में मैं गया, तो मैं कहा जी मैडम ये मैं एसपी साहब से, वो मेरी पहले कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे, पहले हमें क्या पता, वो तो अपनी मर्जी से लिख के देगी, हम क्या करें, वो मुझे धमकाती थी वो। मैं एसपी साहब के पेश हुआ, एसपी साहब ने मुझे मेरी सुनी, बहुत अच्छे एसपी साहब हैं, तो उन्होंने मुझे सुना, फिर मैं गया जी, फिर मैं दोबारा पहुँचा उनके ऑफिस में, उन्होंने फिर दोबारा फिर मैं गया वहाँ देखा, फिर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनका फ़ोन बन जा रहा है अभी तक, आज तक का भी उसका फ़ोन बन जा रहा है। अगर वो कहीं होती, कहीं भिवानी में या कहीं भी होती, पापा को किसी और पड़ोसी को से फ़ोन करती, वो कॉल आपको करती, कहीं तो कॉल करती, वो कहती है जी आपसे नाराज चल रही है, वो मतलब उसके मन में मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो आप दोनों ही परिवार पानीपत के रहने वाले? हाँ, दोनों परिवार के रहने वाले। वो पानीपत, हम सेक्टर 6 पानीपत में रहते हैं, वो 11 वार्ड में रहते हैं, वो 11 वार्ड में रहते हैं। 11 वार्ड में। तो लड़का करता क्या है? लड़का ये प्राइवेट जॉब करता है, किसी ऑफिस प्राइवेट जॉब करता है। हाँ जी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी से निवेदन करेंगे, इनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करें, प्रयास करें, कहीं भी दिखते हैं तो आप इनसे संपर्क करें। जो इन्होंने नंबर बताया, दोबारा नंबर बता दीजिए एक बार। मेरा फोन नंबर है 9395497485, 9354917485। मैं मोती पेंटर के नाम से मशहूर हूँ पानीपत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है एक पिता की गुहार यही है कि उनकी बेटी मिल जाए, और पूरी जो है हम प्रशासन से भी अपील करते हैं इस मामले में कार्रवाई करें, क्योंकि पहले भी जो लड़की है उसके साथ मारपीट शादी से पहले हो गई थी, हालांकि दोनों परिवार जो है एक नहीं माने, पिता नहीं माने, क्योंकि उन्हें सुरक्षित नहीं लगा उस घर में बेटी देना जिस घर में पहले ही मारपीट हो गई हो शादी से पहले। लेकिन उसके बाद भी बेटी जो है झांसे में आ गई, शादी कर ली, और उसके बाद फिर से अब पता चलता है कि इनकी बेटी किस तरीके से गायब हो गई हुई है। एक पिता की पुकार जो है वो सुनते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।